रोड हाँ जी, मेरा नाम सुखवीर कौर है और विलेज बंगू है जी। सीईटी का आज पेपर है वो देने आए हैं, ठीक है। हाँ जी, मैं अकेले आई हूँ सर और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ये सब आपकी सेवा देखकर, ठीक है। और वाकई मेरा नाम नहीं लिया हुआ धन धन सतगुरु का, फिर भी मैं नारा बोलना चाहूंगी जोर से, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस संस्था के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ सर, बट मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देखकर, काश आज मेरा पेपर ना होता तो मैं आपके साथ ये सेवा करने में लग जाती। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है ये। मतलब जो गर्ल्स अकेली आती हैं, बहुत गर्ल्स हैं मेरे जैसी जो अपने साथ पेरेंट्स को नहीं लेके आ सकती, हर किसी की मजबूरी है। बाकी सर विलेज में से जो गर्ल्स हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, ठीक है। एक बाकी काम का टाइम है, पेरेंट्स किसान है ज्यादातर गाँव में, वो खेतों में जा रहे हैं तो गर्ल्स को अकेला ही आना पड़ रहा है, ठीक है। एग्जाम देना हमारी मजबूरी है, कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है कि हमें हर एग्जाम क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है। बट ये जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा लगा, इसको देखकर गर्ल्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और जो सुविधा है वो तो मिल ही रही है सर। बहुत अच्छा काम है सर, मैं आपका सारी टीम का तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, वेरी वेरी थैंक यू सर। मीनाक्षी चक्का मुन्ना, हाँ जी, बहुत अच्छा रहा। जो हमारा पिछली बार सीईटी का एग्जाम था उसमें बहुत ज्यादा हमें सुविधाएं प्राप्त हुई है। पहले हमें बस इधर आने जाने की जो लोकेशन की थी वो बहुत ज्यादा दिक्कतें परेशानी हुई थी, परंतु अब इस बार हमें बहुत ज्यादा सुविधा प्राप्त हुई है। सभी के लिए बसेस प्राप्त करवाई गई है उनके अपने अपने जगह पर पहुंचाने के लिए। हाँ, इसका हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, ये हमें बता रहे हैं अभी कौन सी बस किस रूट पे आपको कहाँ पहुंचाएगी, ये हमें बहुत सारी सुविधा प्राप्त करवा रहे हैं। अच्छा हुआ पहली बार अटेम्प्ट किया था मैंने, बाकी थोड़े से प्रेशर रह गए थे फिर भी मैंने जल्दी जल्दी भर दिए और एक्सपीरियंस हो गया, आगे से इससे इम्प्रूव करेंगे ताकि आने वाले समय में ये अटेम्प्ट कर सके। हाँ, इनका बहुत बढ़िया चल रहा है कार्य, ये अच्छी बात है, ये मानवता में सहयोग कर रहे हैं। मुझे बहुत हेल्प मिली इनसे, हमारा किराया भी बचा, वैसे हेल्प भी मिली, इन्होंने चाय पानी की व्यवस्था भी करके दे रहे हैं। एक नंबर, बहुत अच्छा पेपर हुआ। व्यवस्था सर एक नंबर की है, सारी सुविधाएं हैं, यानी हरियाणा सरकार ने बस सुविधा एक नंबर की करके सब फ्री, ऑल ओवर फ्री कर दिया गया है, आराम से किसी भी मतलब स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सर ये संस्था सुबह 3 बजे से लगे हुए हैं सर, ये पानी का कोई भी अपने फोटो वगैरह पानी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पूरी हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मतलब प्रोग्राम किया गया है, सब कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम रोशन है सर, मैं चौटाला से हूँ और आज मैं डी ग्रुप का एग्ज़ाम देने आया हुआ था, तो मेरा सेंटर फतेहबाद यहाँ ना सिरसा में आया, तो सरकार ने बसों की बहुत बढ़िया फ्री प्रोसेस प्रोवाइड कर रखे बच्चों को, तो अच्छा सुविधा दे रखी है। और इधर सरसा में आए तो सरसा डेरा वालों ने अच्छा व्यवस्था कर रखी है पीने के पानी की, और भी किसी के रोल नंबर वगैरह में दिक्कत हो, किसी के फ़ोटो लगवानी हो या कोई और सामान की व्यवस्था हो, तो इन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है सिरसा के डेरा वालों ने भी। सर यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, डेरा जो सोचा कि संस्था ने बहुत अच्छा काम कर रखा था, यहाँ पे किसी भी विद्यार्थी को भटकना नहीं पड़ रहा, वो सारी यहाँ पे उनका हल कर रहे हैं कौन सी बस में जाना कैसे जाना है। तो सर तो यहाँ सर 3 बजे के लग रहे हैं सेवा तारी सर, यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य चल रहा है सर यहाँ पे सेवादार के थ्रू भी। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सबसक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल, इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।